नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। 11 दिवसीय गर्दा ब्लेसोत भारतीय जनमन क्षेत्र मंगदो द्वारा आयोजित परम पूज्य गढ़िनी आरिका श्री 105 विशुद्धमती माताजी एवं प्रज्ञा प्रदमिनी आरिका श्री 105 विज्ञमती माताजी की मंगल प्रेरणा से 16 अगस्त मंगलवार से 26 अगस्त तक प्रतिदिन रात्रि 9:30 बजे से 9:30 बजे तक 11 दिवसीय गर्दा ब्लेसोत का आयोजन श्री 1008 नयमीनाथ दिगंबर जयसवाल जैन मंदिर दानोली लस्कर ग्वालियर में किया गया, जिसके अंतर्गत 11वें और अंतिम दिवस मंदिर जी में मंदिर कमेटी के अध्यक्ष सुमचंद जैन अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के रूप में जैनमन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अतिवीर महेंद्र जैन टोंगिया, राष्ट्रीय महिला चेयरपर्सन वीरांगना शीला टोंगिया, राकेश जैन, क्षेत्रीय कार्यकारी अध्यक्ष खबर हरपल न्यूज के डायरेक्टर आलोक जैन, वीरांगना सारिकाजैन क्षेत्रीय नैतिक शिक्षा एवं बाल संस्कार समिति, वीरांगना सुषमा जैन क्षेत्रीय कार्यकारिणी सदस्य विशेष रूप से मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन क्षेत्रीय संयोजक युवा वीर रवि जैन द्वारा किया गया। इसके साथ ही जैन मिलन नयमीनाथ, जैन मिलन महिला नयमीनाथ की सभी वीरांगना बहनें, युवा जैन मिलन नयमीनाथ की एवं बालिका जैन मिलन नयमीनाथ की टीम विशेष रूप से मौजूद रही। क्षेत्र क्रमांक 2 के सभी अतिथियों एवं सभी जनसमाज के धर्मप्रेमी बंधुओं ने 11 दिवसीय गर्दा ब्लेसोत में समय पर आकर मंदिर में अपनी उपस्थिति दी। इस अवसर पर इसकी संयोजिका सोनल जैन द्वारा सभी का आभार भी व्यक्त किया गया। 26 अगस्त शुक्रवार के दिन पुण्याजक परिवार में शामिल थे जैन मिलन महिला नयमीनाथ की पूरी टीम, अनिल बन्ना जैन दानावली, पवन पूजा जैन दानावली, पारस मोनिका जैन दानावली, रामस्वरूप जैन सरोज जैन दानावली, राजकुमार जैन, ऋषभ जैन ब्रजविहार कॉलोनी, शैलन जैन, हेमा जैन नई सड़क, पलक जैन कंगवाल USA, प्रमोद जैन सारिका जैन विवेक विहार, संजय जैन साधना जैन दौलतगंज, अजय जैन संगीता बड़ियात्ता ब्रजविहार कॉलोनी, दिलीप भौच मीनू भौच नई सड़क, योगेश ऋषभ जैन मुरार, विजय रोजी जैन LIC ब्रजविहार कॉलोनी, नरेश चंद जैन राजीव जैन नई सड़क, दिलीप जैन गीता जैन नई सड़क, राम नरेश जैन मंजू जैन फालकबजा। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि इतने व्यस्ततम समय में उन्होंने 11 दिन का गंधर्व ब्लेसोत किया। और एक बार वो मुझे 15-20 दिन पहले एक मीटिंग में मिली, मैंने उनसे कहा कि आप कहाँ छिपे हुए हो, किस बादल की ओट में आप छिपे हुए बैठे हो, इस साल आपको कुछ करना नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा कि भाभी जी, माता जी आई हुई है, पूरा समय नहीं गुजर जाता है। तो मैंने कहा कि व्यक्ति वो होता है जो व्यस्ततम समय में से कुछ पल कुछ अनूठे कार्य करने के लिए चुरा लेता है, और उन्होंने वो यहाँ पर सिद्ध किया है। मैं एक बार जोरदार आपको आरती करो।